मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू यू ऑन पाथवेज ऑफ लिविंग। देखिए क्या सुहाना मौसम हो रखा है, गणपति पप्पा भी आए हुए हैं और बारिश जो है थमने का नाम ले रही, झमाझम बारिश हो रही। कब हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, बहुत तेज बारिश भी हो रही, बहुत तेज और अचानक से हो रही है। देखो पूरा मौसम का जायजा देख के आपको पता चल रहा होगा, पूरी तरफ बादल ही बादल और नीचे देख सकते हैं जमीन कितनी गीली हो रही है, क्योंकि अभी तेज बारिश हुई और अभी भी अगर आपको ये दिखाई दे रही है तो तेज हल्की बूंदाबांदी अभी भी चालू है। मतलब ये बूंदाबांदी नहीं कहूँगा मैं, बारिश ही है। नॉर्मल स्टेट्स में तो ये बारिश होती है कि नहीं? कैमरे में भी लगता है भाप आ गया है इसका, मेरे को लग रहा है। ये देखिए हमारे पौधे भी एकदम मस्त हो रखे हैं, अभी गजब तुलसी मैया भी, मैंने तुलसी के बीज डाले थे, पता नहीं आए कि नहीं आए अभी। हवा भी एकदम चढ़ लिया, एकदम ठंडा मौसम हो गया है गाइस, सितंबर महीने का मौसम। ठीक है गाइस, अब ये फूल जो हैं, जो कली आ रही हैं वो तो आ ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो है अभी गिरने लग गए हैं। इसमें भी ये वाले तो ज़्यादा मुरझा गए, बट इनकी ये देखो, ये अभी भी लाइव है, ये देखो ये अभी भी लाइव है। क्या बात है गाइस, ये देखिए कितना मस्त फूल है, ब्यूटीफुल। गाइस आज शुरू करते हैं हमारा नाश्ता। पिछले 2-3 दिन से हमारे व्लॉग हो रहे हैं सिर्फ खाने के, क्योंकि भाई आ रखा है घर पे। तो आज हमने मंगाया है साउथ इंडियन नाश्ता और तीन चार जगह से मंगा रखा है गाइस। दीदी चक्कू देना चक्कू। गाइस ये है आपका, देखिए पात्रा भाई साहब, ये बहुत ही टेस्टी होता है, जो इधर मुंबई में रहते होंगे उनको पता रहेगा, इट्स वेरी वेरी टेस्टी। तो अभी ये अर्णब को टेस्ट कराएंगे, वो अभी सो रहा है, आज उसकी ट्रेन भी है जाने की। और गाइस इसमें क्या है, ये है अपना पाव, बड़ा वाला पाव, इस बार शॉर्ट पाव नहीं है, इसको बड़ा पाव कहते हैं, लेकिन ये है बड़ी बड़ी लादी, बड़े वाले पाव। तो ये गाइस इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड ये है साथ में उसके वड़ा। गाइस देखिए कितना बड़ा बड़े वड़े हैं, और ये इसमें तो ये तीन ही बड़े वाले पाव हैं। ठीक है, ये हो गया गाइस वड़ा पाव, और ये तो खैर ये आपकी चटनियां हैं, चटनियां टीना को मैं दे देता हूँ, खोल देती है टीना, आप चटनियां ओपन कीजिए वन सेकेंड। अब ये गाइस ये है आपका प्रशांत कॉर्नर, हमारा बेस्ट रहता है क्योंकि इसके बहुत ही फ्रेश चीज़ें बनती हैं। आए ये क्या है, इसमें है आपका गाइस इडली गाइस, इसको भी बंद कर देते हैं, ये बहुत गरम होता है। प्रशांत कॉर्नर की जो क्वालिटी है दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसमें सांभर है और ये आपकी चटनियां हैं, ये देखिए अलग अलग तरीके की, ये आपकी कौन सी चटनी होती है, टिनी है टमाटो चटनी, ये नारियल की चटनी है, ये सांभर है, और ये हमने एक डोसा भी मंगाया, दो डोसे मंगाए वैसे, मसूर मैसूर के सादे डोसे। एक मिनट कैंची हमें दीजिए, और ये है प्लेन डोसा। देख पैकिंग से आप देखिए, पैकिंग से मालूम चल जाता है कि क्या गजब की चीज़ है। और ये देखिए गाइस ये है प्लेन डोसा। तो चलिए गाइस ये आपको एक खोल के दिखा देते, देखिए पैकिंग, देखिए पैकिंग पे मैं फिदा हो जाता हूँ इनकी, और कुछ नहीं, ये देखिए टेस्ट तो अलग ही होता है। ये गाइस देखिए पैकिंग, ये देखिए ये इनका, ओहो हो मस्त। चलिए और देखिए कुछ और आ गया, देखिए गाइस ये है अपना महाराष्ट्र की, भाई साहब गरम गरम पूरन पोली, ओहो हो क्या मस्त होती है ये, बहुत मीठी और खुशबू ही आ रही है इसकी। चलो हम करते हैं नाश्ता, फिर करते हैं आपसे बाद में बात। शाहरुख खान उठ गया है हमारा, देखिए गाइस अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो इनको नाश्ता करा देते हैं। ऑलरेडी घड़ी में बज चुका है 1:03 की ट्रेन है, 4:30 की ट्रेन है भाई, जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अभी इसको टेस्ट कराते हैं पूरनपोली और वड़ा पाव, बड़ा वाला वड़ा पाव। इस पूरे सिनेमेटिक शॉट ले रहा हूँ मैं, देखो भाई का पूरनपोली का टेस्ट करते हुए, और ये हमारा सलमान खान बगल में बैठा हुआ है, अक्षय कुमार है इनफैक्ट, और ये पूरनपोली का टेस्ट लेते हुए, ओह मजेदार, वाह अच्छी है।
ये डोसा है प्लेन डोसा, प्लेन डोसा खा लो। देखिए कैसे डाल रहा है एकदम सांबर। दोनों ने एक ही ड्रेस पहन रखी पिछले 3 दिन से, तो ये ब्लॉग में 3 दिन से यही ब्लॉग में यही ड्रेस आ रही है इन लोगों की। हैं इसमें सांबर सांबर ये हो गया, ये जो है ये हो गया। चटनी नहीं दी, देखिए थाली भर चुकी है भाई। कल 3-4 दिन से लगातार बाहर का खाना खाते हुए कंसिस्टेंसी बिल्ड की दिक्कत नहीं, बट फिर भी चलता है। घी के साथ, तो इनको पूरनपोली घी के साथ खाई जाती है। तो गाइस ये देखिए सांबर है, ये पात्रा, पात्रा का टेस्ट करके बताइए भाई। ऐसी ऐसी सादा भाई साहब, मुस्कुरा। उधर से क्या त्यागी भी देख रहा होगा कि क्या हो रहा है ये। क्या त्यागी के लिए इतना सब कुछ नहीं किया जितना अर्णव चतुर्वेदी के लिए कर दिया गया है, क्या बात है। ये भी था। चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को फिलहाल करते हैं यही खत्म, क्योंकि आज जाने वाले हैं अर्णव भाई अपने घर। तो इनके हमने 3 बार इनकी मम्मी की खास तौर से डिमांड थी कि उनको शूट कर लेना, तो हमने उनको शूट कर लिया है। लेकिन मम्मी से हमारी ये डिमांड है कि अपने सर्कल में हमारे वीडियोस को सर्कुलेट करें और सब्सक्राइबर बढ़ाए। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को करते हैं यही खत्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत पाथवेज ऑफ लिविंग के साथ।